जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 8 को देखने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 8 में आपसे कहा गया है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा, कटोरा हमेशा अर्धगोलाकार ही होता है, तो एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। देखिए, स्टील की जो मोटाई है, यहाँ से यहाँ तक जो आप मोटाई देख रहे हैं, ये मोटाई आपको दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। ये चारों तरफ से आप ये जो स्टील है, स्टील के कटोरी की मोटाई को आप लोग देख रहे हैं, ये कटोरी की मोटाई दी गई है। तो स्टील का एक अर्धगोलाकार कटोरा जो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या का मतलब समझते हैं सबसे बीच से अंदर वाला भाग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आंतरिक त्रिज्या कहलाएगी। और यही आंतरिक त्रिज्या आपको दी गई है और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जा रहा है कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा देखिए, आंतरिक त्रिज्या को अगर स्मॉल r से हम प्रदर्शित करें तो ये दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन बाहरी त्रिज्या को अगर कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करें तो जरा देखिए, बाहरी त्रिज्या का मतलब कहाँ से कहाँ तक, देखिए केंद्र O से लेकर के यहाँ तक बाहर तक, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम है कि ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई हमको मालूम है 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें इसको जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और इतनी मोटाई जो दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। आपसे बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, आपसे यही कहा जा रहा है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बाहरी त्रिज्या हमको मालूम होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर तो आंतरिक त्रिज्या है और इसकी जो मोटाई है 0.25 इसमें जोड़ देंगे तो बाह्य त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। और अर्धगोला है, अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको मालूम है सरफेस एरिया, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², लेकिन अर्धगोला है तो 2πr² हो जाएगा, ये होगा 2πr². यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए, 2 और पाई का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो 22/7 रखेंगे, ये 22/7 हो गया। और आर का स्क्वायर, आर में 5.25 है, 5.25 का स्क्वायर करेंगे, 5.25 × 5.25। अब हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो फिलहाल देखा जाए, और अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो अब देखें हम करते क्या हैं, 7 से तो इसको कटा देते हैं तो 0.75 आएगा, क्योंकि 7×7=49 होगा और 7×5=35 होगा। अब देखिए, इस 2 में 0.75 का गुणा कर दें तो 1.5 हो जाएगा,
ये 22 उतर गया, ये 5.25, और फिर 1.5 का 22 में गुणा कर देंगे 33 हो जाएगा, ये 5.25 और इसका गुणा कर दिए तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात किया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक लंब वृत्तीय बेलन, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बेलन है, एक लंब वृत्तीय बेलन आर त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतया घेरा हुआ है। देखें इस गोले की जो त्रिज्या है वो आर है और ये बेलन है। तो कहा जा रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन स्मॉल आर त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतया घेरा हुआ है। देखिए आकृति 13.22, ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फर्स्ट में तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम है 4πr² होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होगा। अब इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट आपसे कहा जा रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपको मालूम है 2πrh होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें s इज इक्वल टू 2πr और यच का मतलब बेलन की पूरी ऊंचाई। तो जरा देखिए आपने ये स्मॉल आर है तो ये भी तो स्मॉल है क्योंकि ये सेंटर होगा, केंद्र हो जाएगा। तो अगर ये स्मॉल आर तो ये स्मॉल आर और पूरी ऊंचाई आप निकालेंगे तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2r और इस प्रकार यस की वैल्यू निकालेंगे 2 × 2 = 4 हो जाएगा। पाई और आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर 4πr² ये भी हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इसके बाद थर्ड देखिए आपसे पूछा जा रहा है ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सुनिए पहले वाले क्षेत्रफल को हम S1 से प्रदर्शित कर देते हैं और दूसरे वाले क्षेत्रफल को हम S2 से प्रदर्शित कर देते हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है यानी S1/S2 की वैल्यू पूछी जा रही है। रख देते हैं S1 का मान तो ये हो गया 4πr², ये भी हो गया 4πr², 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, ये हो गया S1/S2 = 1/1 यानी ये हो गया S1/S2 = 1/1। तो इनके क्षेत्रफलों में जो अनुपात था, अनुपात है वो 1:1 है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 13.4 है ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जो है प्रश्नावली 13.5 शुरू करेंगे जिसमें हम लोग घन का आयतन और फिर घनाभ का आयतन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बेलन का आयतन पढ़ेंगे और इसके बाद शंकु का आयतन पढ़ेंगे, फिर गोले का आयतन पढ़ेंगे, तब जा करके यह चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अगर 9th में अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे तो 10th में ये पढ़ना है और 10th आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आज बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।